बिहार के दरभंगा जिले के कमतौल थाना अंतर्गत हरियरपुर टोला मालपट्टी स्थित शमशान घाट पर लाश जलाने हेतु जो विवाद हुआ वह मामला लगभग शांत हो गया था, लेकिन उसी दिन रात्रि लगभग 12 बजे के बाद मुसलमानों की बस्ती में अचानक हमला होता है। पत्थर और रोड़े बरसाने शुरू कर दिए जाते हैं, मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ की जाती है, जेवरात लूट लिए जाते हैं, गाड़ी को क्षति पहुंचाया जाता है, मुसलमानों की महिलाओं बच्चों और बूढ़ों पर हमला भी किया जाता है। ये सभी के सभी बयान वहां के ग्रामीणों के अनुसार है। इस खबर को लेकर हमारे पास वहां के ग्रामीणों के द्वारा कई बार कई लोगों का कॉल आया। उनका कहना था कि लोकल मीडिया गलत खबर चला रही है, प्रशासन भी उसका सपोर्ट कर रहा है। यह खबर अब तक हमारे चैनल पर इसलिए प्रकाशित नहीं की गई थी क्योंकि हमने इस खबर को लेकर कोई तहकीक नहीं किया था कि गलतियाँ किसकी है, पथराव किस तरफ से सबसे पहले शुरू हुई और दंगा कैसे शुरू हुई। इस खबर को लेकर हमने तहकीक करना शुरू किया और अपने तहकीक में पाया कि जब हिंदू पक्ष के लोग शव को जलाने के लिए गए थे तो वह शमशान घाट के बगल वाली जमीन पर जलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ, जहां पर उस पंचायत के मुखिया को बुलाया गया, लेकिन मुखिया का बयान था कि अगर तुम्हारी जमीन है और उसमें जला ही लेगा तो क्या हो जाएगा। मुखिया के इस बयान पर जमीन का मालिक गुस्सा हो जाता है, फिर प्रशासन आती है। ग्रामीणों के अनुसार प्रशासन का भी वही बयान था जो मुखिया का बयान था, जिस पर गांव के लोग आक्रोशित हो जाते हैं और प्रशासन की गाड़ी को आग के हवाले कर देते हैं। आपको बताता चलूं कि जिस भूमि को लेकर विवाद हो रहा था उस भूमि का मालिक प्रशासन और मुखिया के सामने अपने जमीन का कागजात लेकर भी खड़ा था, जैसा कि उन लोगों का बयान है। वहाँ के ग्रामीणों के बयान के मुताबिक रात्रि 12 बजे के बाद अचानक प्रशासन की भेष में कुछ लोग मुसलमानों के घरों पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, उनके साथ और भी लोग होते हैं, यहाँ तक कि घर के अंदर घुसते हैं, किसी के हाथ में छेनी, किसी के हाथ में हैमर, किसी के हाथ में लोहे की रॉड, इस तरह की औजार होती है और घर के अंदर घुसकर तोड़फाड़ शुरू कर देते हैं। मोटरसाइकिल को तोड़ दिया जाता है, घर में रखे फ्रिज को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है और उसे तोड़ दिया जाता है। घर की महिलाओं को, बूढ़ों को, बच्चों को, यहाँ तक कि जवान लड़कियों पर भी हाथ उठाया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। यहाँ तक कि एक 13 साल का लड़का छत पर सो रहा था, उसे पूरी तरह मारा पीटा जाता है और उसे उठाकर ले जाया जाता है, जैसा कि उसकी माता का स्टेटमेंट है। अब तक की यह सही रिपोर्टिंग है जिसे लोकल मीडिया छुपा रखी थी, और तो और गलत खबर भी चलाया जा रहा था। जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। देखा दोस्तों आप लोगों ने, अब एसपी साहब का ये बयान सुन लीजिए। पीड़ित पक्ष में ये भी सर आरोप लगा कि सब के साथ भी जो है अमानवीय व्यवहार किया गया और पेशाब भी किया गया है, ऐसा उन्होंने अपने ऑन कैमरा रिकॉर्ड में बोला। क्या इसकी किस पक्ष ने बोला, किस पक्ष में सबके साथ है, उनका ये आरोप है कि हमारे सबको निकाल देते दिया और पेशाब भी दिया है भाई। नहीं नहीं, वहाँ पर थाना लोकल मीडिया और एसपी साहब की बयान में जमीन और आसमान का फर्क नजर आ रहा है। वहाँ के ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यह सब सोची समझी साजिश के तहत किया गया और यह सब करवाने वाला कोई और नहीं, हमारे गांव का मुखिया ही है। वहाँ के ग्रामीणों से हमारी बात हुई जो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा कि हमें अपनी जान का खतरा है इसलिए मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। उस व्यक्ति ने अपने बयान में कहा, एसएसपी साहब ने आश्वासन जताया है, हम मुसलमानों को भरोसा दिलाया है कि जो उग्रवादी थे, जो दंगाई थे, जो इस तरीके के घटना को अंजाम दे रहे थे, उन लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आइए दोस्तों आपको वहाँ के ग्रामीणों से हुई बातचीत का मैं वह वीडियो दिखाता हूँ। मेरा नाम जीनत है, मैं प्रधान की अम्मी बोल रही हूँ। हमारे घर में, हमारे गांव में दंगा फसाद हुआ, मारा पीट हुआ, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं था, हम लोग घर में थे, हमारा बच्चा प्रधान छत पे सोया हुआ था और उसको पुलिस मार डंटा मारते हुए उसकी नींद की हालत में सोया हुआ था और उसको मारते पीटते हुए बच्चा को बेरहमी के साथ ले गया। मेरे एक हिंदू की मृत्यु हो गई, उसके लिए उसके जलाने के लिए शमशान घाट पर लाया और
जिसकी निजी जमीन थी अपनी, वो आदमी उसको बोला। उसके साथ दो चार आदमी बहुत नफरत किया, बहुत मारपीट किया, उसमें मुखिया सरपंच पुलिस सब थे, लेकिन उस सबसे नहीं हुआ। बहुत नफरत बढ़ गया उधर, और हम लोग तो सोई हुई थी घर में, लेडीज चार आदमी थे, सब लोग सोई हुई थी। रिक्शा के पूरा में ताला उला बंद करके, हम लोग को कोई जानकारी नहीं था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उस पर सब लोग मुखिया उसके साथ पाँच छः आदमी गांव का, उसमें एक पासी नरेश नाम का लड़का और एक राकी नाम अशोक अशोक लड़का पासी और एक खतबे सत्तू नाम का और ऐसे बहुत ऐसा आदमी सब चार पांच आदमी था जो गांव का। दो पासी विजय संजय और संतोष और सत्तू नाम का एक खतबे, ये सब और मुखिया उसके साथ प्रशासन गुंडा सब उसके साथ था, या क्या था, गुंडा ही टाइप का काम किया है। घर में घुस करके पूरे को पीट पाट के पूरे सामान को हम लोग का बर्बाद कर दिया, पूरे जेवर जेवरात को ले लिया, पैसा रखे हुए थे इटैची में पूरा को ले लिया, और हम लोग को जैसे मन में आया वैसे पीट पाट के सब चला गया। लेडीज पुलिस भी थी उसके साथ, मर्द पुलिस भी था और गुंडा भी था, पीटा है लेकिन मारा जो हम लोग को सब मर्द मारा, शुरू को औरत नहीं मारी, लेडीज पुलिस नहीं मारी, मर्द मारा। क्या क्या हुआ है, क्या बर्बरता की गई है, बर्बरता क्या की गई है जो आप बता रहे थे, बताइए। कुछ नहीं, वही मुखिया का क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग को कुछ पता भी नहीं था। हम लोग सोए हुए थे, रात में उठ करके आ करके गेट खींचा, गेट नहीं होता तो गेट को काट करते, ऊपर जाके चलिए ना देखा तो चंगारी का गेट लगा था। क्या बर्बरता की गई, मारपीट क्या क्या किया गया? मारपीट कुछ भी नहीं, हमने भी कोई गलती नहीं। आप लोगों के साथ क्या बर्बरता की? छत्ता पर जो थे मार के सबको, माँ बेटी चार आदमी थे छत्ता पर, उस तरफ हम तो डर गए। पीछे पीछे जितना डाकू था, मुखिया था, पुलिस था, पुलिस नहीं थी, सिर्फ खाली पूरा जाबी मुकारी सब लगा के सब छत्ता तरफ कर दूसरे के आगन घुस गए। उसके आगन पूरा इतना घर को बंद कर दिया, घर को ठेल के सब बेटी का मेरे यहाँ आ करके मेरे घर मेरे गाँव और मेरे घर पे कोई है नहीं, नहीं मेरे शोहर है, नहीं कोई है, बस अकेले हम रहते हैं। और मेरे एक ससुर है जिसका पैर से वो थोड़ा चल नहीं पाते हैं वो है, और हम घर में सोए हुए थे, घर का किमार तोड़ करके घुसा, कम से कम 10 लोग की तादाद में था और सब ने तोड़ फोड़ किया और हमको मारा भी, धमकाया भी, गाड़ी निकाली बोलने की कोशिश की तो सबने मारा और ले जा करके हमको मसाड़ी पे पटक दिया। बोला कि तुम ज्यादा बोलेगी नहीं, अगर बोलेगी तो तुमको फिर बताएंगे। पूरा बैग मेरा, हम नई स्कूटी निकाले थे उसको भी तोड़ तार दिया पूरा, जब चलाए नहीं थे बात कर दिया। मेरे यहाँ तो कोई ये नहीं है, हम गांव की बहू है, फिर भी पूरा कोई कर दिया। हम अकेली महिला लेडीज अकेली बच्चे को लिए घर में थे, सोए हुए थे, जिसने तोड़ फाड़ के ऐसा किया, पूरा मेरा घर को नुकसान कर दिया, वहाँ तक के बाहर का पैप को तोड़ दिया, सब बाहर का भी तोड़ दिया सबको रंग का डिब्बा सबको पीट पाट सारा हमको धमकी दिया। पूरा पैप को तोड़ दिया।
अंचल से बोल रही हूं। सारा सारी जनता ये सब ला कर क्या हूँ, हम लोग को डराया धमकाया, सब बच्चों से गिनती किया, अपना को तोड़ फोड़ किया, घर में घुस के फोन पुलिस वाला, उसके साथ मुखिया है, उसके बाद खतवे हैं, असी टोला है सब। आप लोग को भी आरोप है कि आप लोग भी पथराव किए, उन लोगों को मारे, शव को घसीटे। 8 बजे रात में हम लोग निमंत्रण का काम करते हैं, कुछ समझते हैं ना, कुक का काम करते हैं हम लोग। 8 बजे रात में कुक का काम करके घर में आते हैं, आने के बाद इतना गर्मी पड़ता है कि हम लोग बिस्तर पकड़ लेते काम चीज बात क्या है। उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग घर में पड़े हुए थे, 12 बजे 2 बजे रात में पुलिस वाला घुसा घर में से उठा करके, या हम लोग को बैल के तरफ गिरना शुरू कर दिया। उसके बाद खींच के बाहर में लाया, हमने कहा हाट वाला हम मर जाएगा, पानी दो चिल्लाना, तो लोग छोड़ दिया है। वो कहा पुलिस वाला कि चले जाओ। उसके बाद 16,000 रुपये का 2 मोबाइल था मेरा, सैमसंग का, दोनों मोबाइल ले लिया। और उसके बाद मेरे बच्चिया को भी पीट दिया, ये बालिक लड़की को, पूरे घर में मेरे फोन मारा था। और ये हम लोग को मार करके देखा दोस्तों, आप लोगों ने किस प्रकार लाश के बहाने गांव में अशांति फैलाई गई और लोकल मीडिया किस प्रकार झूठी झूठी खबरें चलाता रहा। एसएसपी साहब के बयान से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़, देश की आवाज़।